वेलकम टू धारी इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। धारी इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 1000 स्क्वायर फीट में आप छत ढलवा रहे हैं तो आपको कितना स्टील का रिक्वायरमेंट होगा, आपको कितना मार्केट से मंगवाना पड़ेगा, आज उसी के बारे में फुल वीडियो है। इसके पूरा वीडियो पर जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा आपके 1000 स्क्वायर फीट अगर है या कोई और भी स्क्वायर फीट है आपका एरिया तो आपको कितना छत ढलाई में स्टील लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बता दूं कि चैनल पर आपने हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो है कि 1000 स्क्वायर फीट में आप छत ढलवाते हैं तो वो कितना खर्च कितना स्टील आपको लगेगा। तो एक थंब रूल है, 1 स्क्वायर फीट में आपको 0.8 kg स्टील लगता है। 1 स्क्वायर फीट का आप छत ढलवा, मतलब 1 स्क्वायर फीट लंबाई और 1 स्क्वायर फीट चौड़ाई का छत डलवा रहे हैं आप 5 इंच का, तो उसमें आपको 0.8 किलो स्टील लगता है। उसके हिसाब से अगर आप 100 स्क्वायर फीट करते हैं तो आपको 80 केजी स्टील लगेगा और उसी तरह 1000 स्क्वायर फीट आप करते हैं तो आपको 800 केजी का स्टील लगेगा। ठीक है, ये सिंपल एक लॉजिक है, मतलब 1 स्क्वायर फीट का आप स्लैब डलवा रहे हैं तो 0.8 केजी स्टील आपको लगेगा। उसी तरह 1000 स्क्वायर फीट आपका हुआ तो 800 किलो आपको स्टील लगेगा और 800 जनरली, अब इसमें आपको बताऊंगा कि कितना कौन सा कितना स्टील लगता है। ये बीम छोड़कर है, सिर्फ स्लैब में आपको 0.8 केजी स्टील लगता है पर स्क्वायर फीट। ठीक है, और जनरली हम लोग स्टील यूज जो करते हैं वो 8 mm और 10 mm का करते हैं स्लैब में, और ये दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए 800 किलो अगर आपका आ रहा है 1000 स्क्वायर फीट में आपका 800 किलो लगेगा स्टील। ठीक है, छत में बीम छोड़कर है तो उसमें आपको 60 और 40 का रेशियो है, यानी 60:40 मतलब रेशियो है इसका, मतलब 10 mm जो है वो लगेगा आपको 60% लगेगा और 40% लगेगा आपको 8 mm। ये एक थंब रूल है, जैसे 800 किलो आपको 1000 स्क्वायर फीट में लगा उसमें आपको 60% 10 mm लगेगा और 40% आपको 8 mm लगेगा। तो अगर 10 mm का बात करूँ तो 480 किलो आपको लगेगा 10 mm। ठीक है, और उसी तरह 40% हो गया 800 का, 8 mm लगेगा आपको, 320 किलो 8 mm लगेगा। ठीक है, तो ये थंब रूल है 60:40 का, और 1000 स्क्वायर फीट में आपको 800 किलो स्टील लग गया तो उसी तरह हम लोग निकाल लिए 60 और 40 का रेशियो से कि 480 किलो आपको 10 mm लग गया और 320 किलो 8 mm लग गया। और स्लैब का थिकनेस जनरली हम लोग लेते हैं 4 इंच से 5 इंच तक, और मैक्सिमम डाया हम लोग यूज कर सकते हैं 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। ये IS कोड के अकॉर्डिंग है 1/8, इसे हम लोग कमी करते हैं, जनरली हम लोग 8 mm और 10 mm करते हैं, स्टील में हम लोग 12 mm से मिनिमम नहीं यूज करते हैं, नीचे नहीं यूज करते हैं, और मिनिमम डाया हम लोग स्लैब में यूज करते हैं 8 mm का। ठीक है, तो आपको कैसा लगा इस वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आगे भी और वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं स्लैब से रिलेटेड, तो चैनल बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।